हमारे इस खास शो में आपके साथ मैं हूं निखिल सिंह और मेरे साथ है मेरी सहयोगी जया सिन्हा। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस के दौरे पर है और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के निमंत्रण पर वो वहां पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के दौरे का, जैसा कि आप जान रहे हैं, आज दूसरा दिन है और दोनों देशों के बीच में शिखर वार्ता हुई है और दोनों देशों के बीच में ये शिखर वार्ता बेहद महत्वपूर्ण रही है, 22वें दौर की ये वार्ता रही है। और रूसी राष्ट्रपति के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के साथ भारत की मित्रता को और ऊंचाइयों तक ले जाने की बात कही है। ऊर्जा और फर्टिलाइजर को लेकर संकट के दौर में रूस ने जिस तरह से भारत की मदद की, उसके लिए पीएम मोदी ने रूस का शुक्रिया अदा किया। इसके साथ ही साथ यूक्रेन मुद्दे पर पीएम मोदी ने साफ कहा कि भारत शांति का पक्षधर है और वार्ता के माध्यम से ही युद्ध का समाधान निकलेगा। तो बेहद महत्वपूर्ण ये वार्ता रही है और प्रधानमंत्री ने भी साफगोई से अपनी बात रखी है। बिल्कुल, और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि कई बार हमारी मुलाकात हो चुकी है, वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन इस दौरे पर इस वक्त पूरे विश्व की निगाहें हैं और सभी इसके भांति भांति के अर्थ भी निकाल रहे हैं। रूस के साथ राजनीतिक, रणनीतिक, रक्षा, सुरक्षा से लेकर आर्थिक संबंध किस तरह से मजबूत आज भारत के हो रहे हैं वो हम सब देख रहे हैं। और जो विश्व की दो बड़ी ताकतों को लगातार मजबूती दे रहा है वो ये दृश्य हैं जो इस वक्त हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से भारत रूस के संबंधों से एक नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है जिसका असर अलग अलग क्षेत्रों पर पड़ता हुआ साफ तौर पर नजर आएगा। और काफी व्यस्त कार्यक्रम रहा आज सुबह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बिल्कुल, तो बेहद व्यस्त कार्यक्रम रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और इसके साथ ही साथ जो शिखर वार्ता रही वो भी बेहद महत्वपूर्ण रही। जो वक्तव्य दोनों नेताओं के रहे वो भी बेहद महत्वपूर्ण रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉस्को स्थित प्रदर्शनी स्थल पर रोसाटॉम पेविलियन का दौरा भी किया आज और इस अवसर पर राष्ट्रपति पुतिन भी उनके साथ मौजूद रहे। ये पेविलियन रूस में परमाणु ऊर्जा को समर्पित सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक केंद्र है। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने परमाणु प्रौद्योगिकी में रूस की प्रगति का अवलोकन किया। तो मॉस्को स्थित रोसाटॉम पेविलियन पहुंचे प्रधानमंत्री। बिल्कुल, तो मॉस्को स्थित टॉम ऑफ द अननोन सोल्जर स्मारक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के समय सोवियत संघ की रक्षा में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। मॉस्को के अलेक्जेंडर गार्डन स्थित मेमोरियल का अनावरण 1967 में हुआ था और यहाँ उन सभी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिनका नाम शायद दस्तावेजों में दर्ज ना हो। दुनिया भर में ऐसे स्मारक 50 से ज्यादा हैं। तो ऐसे गुमनाम नायकों को श्रद्धांजलि दी गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे गुमनाम नायकों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने रूस की रक्षा के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उसी की कहानी को बयां करते हैं। टॉम ऑफ द अननोन सोल्जर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज रूस का दूसरा दौरा था और पूरे परंपरागत तरीके से वहाँ पर पहुँच के उन्होंने उन गुमनाम सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्हें नमन किया जिन्होंने शांति के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। बिल्कुल, जय, हम अपने देश में भी जो स्वतंत्रता संग्राम के समय में ऐसे तमाम गुमनाम नायक रहे हैं जिनको हम श्रद्धांजलि देते रहे हैं और ये चलन इस समय और ज़्यादा है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं तो रूस के उन सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई है जो गुमनाम है, शायद युद्ध के इतिहास में बहुत प्रखर तरीके से उनका नाम सामने नहीं आया है लेकिन बावजूद उसको उनको उनकी बड़ी भागीदारी रही है और उनको श्रद्धांजलि देते हैं रूस में। एक बार फिर यहाँ पर प्रधानमंत्री ने बेहद महत्वपूर्ण जो वार्ता हुई उसमें
शांति की बात कही, किस तरह से भारत पिछले 40 वर्षों से आतंकवाद का दंश झेल रहा है और अपने देश के सर्वोच्च सैनिकों को, निर्णायकों को वो सम्मान देता है, वो जगह देता है। टॉम ऑफ द अननोन सोल्जर पर प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। द्वितीय विश्व युद्ध के समय सोवियत संघ की रक्षा में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले गुमनाम सैनिकों को, नायकों को समर्पित है ये स्मारक। मॉस्को के अलेक्जेंडर गार्डन स्थित इस मेमोरियल का अनावरण 1967 में हुआ था और यहाँ उन सभी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिनका नाम किसी भी इतिहास के पन्ने में दर्ज नहीं है। राष्ट्रपति पुतिन के साथ क्या कुछ बातचीत हुई, क्या शिखर वार्ता के अहम बिंदु हुए, आइए उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। जो अहम बड़ी बातें थी इस शिखर वार्ता की, एक्सीलेंसी और मेरे मित्र, मैं आपका इस भव्य स्वागत के लिए, सम्मान के लिए हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। चुनाव में अभूतपूर्व विजय भारत में हमें मिला और उसके बाद आपने जो शुभकामनाएं दी उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मार्च महीने में आपका भी चुनाव में भव्य विजय हुआ, मेरी तरफ से फिर से एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक्सेलेंसी, पिछले 40-50 साल से भारत आतंकवाद को झेल रहा है। आतंकवाद कितना भयानक होता है, कितना घिनौना होता है, वो हम 40 साल से भुगत रहे हैं। ऐसे में जब मॉस्को में आतंकवादी घटनाएं घटी, दोगेस्तान में आकर आतंकवाद की घटनाएं घटी, उसका दर्द कितना गहरा होगा इसकी मैं कल्पना करता हूं। और मैं हर प्रकार के आतंकवाद की घोर निंदा करता हूं। एक्सेलेंसी, लगभग 2.5 दशक से मेरा रूस के साथ नाता जुड़ा है, आपके साथ भी करीब करीब 2.5 दशक से मेरा नाता जुड़ा है। हम करीब करीब 10 वर्षों में 17 बार मिले हैं और पिछले 25 साल में हमारी बायलेटरल मीटिंग करीब 22 हुई है। यानी ये अपने आप में और यौरी मेरी मॉस्को की 6ठी यात्रा है रशिया की, तो ये अपने आप में हमारे संबंधों की गहराई दिखाता है। और मैं ये बिना संकोच कह सकता हूं कि इन 25 साल की हमारी इस गहन यात्रा के मुख्य सूत्रधार आप रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि, और पिछले अनुभव से मैं कह सकता हूं कि आने वाला भी हमारा कार्यकाल हमारे संबंधों को और गहरा बनाएगा और घनिष्ठ बनाएगा और हम नए नए अचीवमेंट को लेकर के आगे बढ़ेंगे। गत 5 वर्ष पूरे विश्व के लिए, पूरी मानव जात के लिए बहुत ही चिंताजनक रहे, चुनौतीपूर्ण रहे और अनेक संकटों से गुजरना पड़ा। पहले कोविड के कारण और बाद में संघर्ष और तनावों का कालखंड अलग अलग भूभाग में, इसने मानव जात के लिए बहुत संकट पैदा किए। तनाव रहा, संघर्ष रहा और ऐसी स्थिति में भी भारत रूस मित्रता के कारण जब दुनिया
फूड फ्यूल एंड फर्टिलाइजर के संकट से गुजर रही थी। हमारी मित्रता और हमारे सहयोग के कारण मैं मेरे देश के किसानों को फर्टिलाइजर में मुसीबत में नहीं आने दिया। फर्टिलाइजर की उनकी जो आवश्यकता है उसकी पूरी करने में हम सफल रहे और उसमें हमारी मित्रता का भी बहुत बड़ा रोल है। और किसानों के हितों की रक्षा के लिए हम कमिटेड हैं। आने वाले भी दिनों में किसानों के हितों के लिए हम चाहेंगे कि रशिया के साथ हमारा सहयोग और अधिक बढ़ता रहे। एसएलसी फ्यूल्स की चुनौती भी पूरे विश्व के किसान में बहुत बड़ी गहरी थी। ऐसे समय आपके सहयोग के कारण भारत में हम सामान्य नागरिक को पेट्रोल डीजल की आवश्यकताओं में कठिनाइयों से हम बचा पाए। इतना ही नहीं, विश्व को भी बात स्वीकार करनी होगी कि भारत और रूस का फ्यूल के संबंध में जो एग्रीमेंट रहा उसने दुनिया को भी एक प्रकार से मार्केट में स्टेबिलिटी देने का इनडायरेक्टली बहुत बड़ा काम किया है। दुनिया के अनेक देशों के नागरिकों को पेट्रोल डीजल के कारण बहुत बड़े संकट से गुजरना पड़ा और आज भी गुजरना पड़ रहा है, लेकिन हमारे उस कारोबार के कारण हम भारत के नागरिकों को पेट्रोल डीजल के इस मार से बचा पाए, इन्फ्लेशन से बचा पाए और स्टेबिलिटी भी ला पाए। इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। एक मित्र के रूप में आपने अनेक फोरम में पब्लिकली भारत का जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसकी भरपूर तारीफ की, और तारीफ की ही कितना नहीं, आपने भारत में मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में कदम उठाए और भारत के मैन्युफैक्चर में आपकी भागीदारी के कारण भारत के नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर बने हैं और उसके लिए अनेक क्षेत्रों में विकास के भी एक नए आयाम जुड़े हैं। और मैं मानता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में आने वाले दिनों में, क्योंकि उसके परिणाम बहुत अच्छे मिल रहे हैं और मजबूती मिलेगी ऐसा मुझे लगता है। एक्सेलेंसी, वैसे तो हमारा ये जो द्विपक्षीय वार्ता का कार्यक्रम 25 साल से चल रहा है, 22 बार हम मिल चुके हैं, लेकिन शायद ये मीटिंग ऐसी है कि पूरे विश्व का ध्यान मेरी इस यात्रा पर केंद्रित हुआ है और पूरी विश्व इस यात्रा के भांति भांति के मीनिंग निकाल रहा है। कल आपने मुझे अपने निवास स्थान पर बुलाया और एक सच्चे दोस्त के रूप में कल शाम हमने करीब 4-5 घंटे तक साथ रहे, अनेक विषयों पर हमने बातें की। और मुझे खुशी हुई कि यूक्रेन के विषय में हम दोनों अपने अपने विचार खुले मन से विस्तार से हम उसकी चर्चा कर पाए और बड़े आदर के साथ एक दूसरे के विचारों को हमने सुनने समझने का प्रयास किया। आपने देखा होगा कि G20 में भारत G20 की सफलता के साथ साथ ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर के मक्कमतापूर्वक अपनी बातें रखता रहा है और उसके कारण स्वाभाविक रूप से आज ग्लोबल साउथ की दुनिया में शांति की जो आकांक्षा है, अपेक्षा है, उसको भी मैंने भली भांति कल आपके सामने प्रस्तुत किया था। एक्सेलेंसी, युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है, लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। और इस विषय में भी आपसे विस्तार से चर्चा हुई। एक्सेलेंसी, एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते।
बम बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। एक्सेलेंसी, मुझे इस बात का संतोष है कि कल इतने खुले मन से आप बात कर रहे थे, कोई लीपापोती नहीं थी, कोई कर्टेन नहीं था और मैंने देखा कि हमारी बातचीत में से बहुत सारे इंटरेस्टिंग आइडिया निकले, एक नई सोच मैं महसूस कर रहा हूं और नई सोच सामने आई है। एक्सेलेंसी, कल हमारी बात में ये भी हमारा मन बना था और शांति की बहाली में भारत हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है और आपका भी सानुकूल विचार सुनकर के मुझे बहुत खुशी हुई और मैं भी आपको भी आश्वस्त करता हूं और विश्व समुदाय को भी आश्वस्त करता हूं कि भारत शांति के पक्ष में है और शांति के लिए मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन की कल बातों को सुनकर के मेरे मन में एक आशा पैदा हुई है और मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मीडिया जगत के मित्रों को भी मैं कहूंगा पासीबा। तो आपने देखा कि जिसको कहते हैं कि बेहद सार्थक सकारात्मक वार्ता और प्रधानमंत्री ने जो वक्तव्य दिया गया उससे ये साफ पता चलता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में एक बेहद सार्थक और सकारात्मक बातचीत हुई है। ऊर्जा से भरे हुए नज़र आए दोनों नेता और प्रधानमंत्री ने इस मौके पर साफ तौर पर दोनों देशों की के बीच की जो मित्रता है, जो संबंधों की गहराई है, उसको और ऊंचे ले जाने की बात तो कही, साथ ही साथ ये भी बताया कि किस तरह से रूस भारत के साथ हर समय में, हर मुश्किल, जिसको कहते हैं कि एवरी थिक एंड थिन में वो खड़ा रहा है और चाहे वो पेट्रोल डीजल और ऊर्जा ज़रूरतों की बात रही हो या फिर दूसरी बातें रही हो। और साफ तौर पर जब यूक्रेन युद्ध की बात आई तो भारत ने साफ तौर पर, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि भारत शांति का पक्षधर है और बम गोली बंदूकों के इस के दौरान शांति नहीं तलाशी जा सकती है, इसलिए वार्ता की मेज पर आना ही पड़ेगा। बिल्कुल, और हमारे साथ भारत रूस संबंधों की नई उड़ान, ये हमारा जो स्पेशल कवरेज इस वक्त जारी है उसके लिए चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एम्बेसडर संजय भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही प्रोफेसर स्वर्ण सिंह स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों ही खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुरुआत कर लेते हैं एम्बेसडर संजय भट्टाचार्य जी से। सर, आपसे जानना चाहेंगे जिस शिखर वार्ता, प्रधानमंत्री ने ये कहा कि पहले भी कई वार्ताएं हो चुकी हैं, मुलाकात हो चुकी है, लेकिन इस बार जो ये दौरा है प्रधानमंत्री का उस पर पूरे विश्व की निगाहें हैं। हम देख रहे हैं कि चीन के ग्लोबल टाइम्स से लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल तक प्रधानमंत्री के इस दौरे के बारे में लिखा जा रहा है और प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया कि कैसे इसके भांति भांति अर्थ भी निकाले जा रहे हैं। क्यों आपको लग रहा है कि जिस शिखर वार्ता जो अहम बातें हुई, एजेंडे, उस पर बात करेंगे, लेकिन जो प्रधानमंत्री ने कहा कि बेहद महत्वपूर्ण है इस वक्त ये जो प्रधानमंत्री का दौरा और जो तमाम बातचीत और तमाम जो अहम मुद्दों पर इस वक्त जो बातचीत हो रही है, क्या कुछ संकेत यहाँ देता नजर आया प्रधानमंत्री का वक्तव्य पूरे विश्व को? आप लोग सब जानते हैं कि आज का जो स्थिति है जियोपॉलिटिक्स का बहुत ही फ्रेजाइल है और इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट वाला जो सिचुएशन है वो काफी बढ़ता जा रहा है। एक तो हम जानते हैं कि सन 22 में यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, उसके बाद हमने देखा कि गाजा में इसराइल और पैलेस्टीन के बीच युद्ध हुआ और हम ये भी जानते हैं कि आज चीन ताइवान पे, साउथ चाइना सी पे, हमारे बॉर्डर्स पे काफी भारी है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट वाला सिचुएशन है, ऐसे में जियोपॉलिटिक्स का जो बदलाव आ रहा है, हम देख रहे हैं कि एक तरफ अटलांटिक की ओर से एशिया की ओर अपना जियोपॉलिटिकल इकोनॉमी शिफ्ट हो चुका है, लेकिन ये जो जियोपॉलिटिक्स का जो स्ट्रेटजी है, रणनीति है, ये इधर अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ है। तो ये जो फ्लक्स वाला सिचुएशन है जिसमें बदलाव है, ऐसे स्थिति में ये बहुत जरूरी है कि जो अहम, जो बहुत घनिष्ठ मित्र हो, वो अपने अपने बीच बहुत मिलजुल कर स्पष्ट से बात करें। आप जानते हैं कि सन 21 के दिसंबर के बाद जब पिछला द्विपक्षीय एनुअल समिट हुआ था, उसके बाद ये पहला समिट है, तो 2 साल से ऊपर हो चुके हैं जिसके दौरान
भारत रूस के बीच ऐसा समिट द्विपक्षीय नहीं हुआ था, तो उससे भी एक अहम महत्व है। तो हम देख रहे हैं कि जो बदलाव आ रहा है, भारत और रूस इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, और इसको डिस्कस करने के लिए प्रधानमंत्री जी मॉस्को गए हैं। उनका एक बहुत घनिष्ठ मित्र भी है पुतिन, और उन दोनों के बीच जो केमिस्ट्री है उससे हम जान सकते हैं कि वो लोग अपने ओर से भविष्य की ओर कैसा बर्ताव होना चाहिए देशों का और सिस्टम्स का, इसके बारे में वो लोग डिस्कस करेंगे। तो ये ना सिर्फ आज के लिए और अतीत के लिए इम्पोर्टेंट है, ये भविष्य के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसी वजह से क्योंकि सारे देश इसको बहुत ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और बहुत इम्पोर्टेंस के साथ देख रहे हैं। जी निश्चित तौर पर। तो ये जो आपने कहा कि भविष्य का जो रोड मैप है वो भी ये जो वार्ता है, ये जो प्रधानमंत्री का दौरा है वो तय करेगा भारत और रूस के रिश्तों की। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, अगर सीधे शब्दों में कहें तो आपने प्रधानमंत्री का वक्तव्य सुना जिसमें आपसी समझ, आपसी मित्रता को और गहरा करने की बात से लेकर के तमाम सराहना की भी कि रूस की जो इसके पहले के जो तमाम मुद्दे रहे हैं, चाहे वो ऊर्जा सुरक्षा की बात रही हो, पेट्रोल डीजल की बात रही हो, फर्टिलाइजर की बात रही हो, वहां से लेकर के शांति और समाधान तक की बात प्रधानमंत्री ने की है। कैसे आकलन करेंगे प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य का और दोनों देशों के बीच में जो वार्ता हो रही उसका? मुझे लगता है कि जो सबसे अहम बात प्रधानमंत्री के वक्तव्य में थी इस वक्त जी, वो ये कि किस तरह से इन दो बड़े राष्ट्रों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके तालमेल में आपसी समझ और गर्मजोशी कितनी ज्यादा है। जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत खुलकर अपने विचारों को साझा करने का उनको ये अवसर मिला और कोई लाग लपेट उसमें नहीं था, अपनी अपनी सोच एक दूसरे से उन्होंने साझा की और समझने की कोशिश की। सामरिक सोच जो बड़े राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष हैं उसका तालमेल जो है वो उनके रिश्तों को बहुत सुदृढ़ बनाता है और आगे तक ले जाने की एक उम्मीद साफ करता है। भारत और रूस के खास रिश्ते जो हाल ही में उनमें परिवर्तन जो आया है वो बहुत ही समझने के लिए जरूरी है। जो आपसी व्यापार केवल 8 या 9 अरब डॉलर तक अटका रहता था वो अब बढ़कर 65.7 अरब डॉलर हो चुका है, और खासकर उसमें भारत का जो एनर्जी का निर्यात है रूस से वो है, उससे ऑफकोर्स कई नई चुनौतियां सामने आती हैं। किस तरह से व्यापार एक तरफा होता हुआ नजर आता है, क्या भारत भी बहुत चीजें निर्यात कर सकता है वहां, या जो दूसरा लोकल करेंसीज का इस्तेमाल करने की कोशिश है कि किस तरह से रूपी रूबल ट्रेड को आगे बढ़ाया जा सकता है, एनर्जी और रक्षा सुरक्षा के उपकरणों को सांझे उत्पादन को लेकर तो पहले से ही बहुत अच्छा तालमेल दोनों देशों का है। पर इस मुलाकात में जो सर्वव्यापी महामारी और उसके बाद यूक्रेन संकट के चलते थोड़ी रुक सी गई थी, 25 साल से चलती आ रही है, उसको दोबारा से शुरू करना और इस अंतराल के बावजूद इतनी गर्मजोशी और मित्रता जो उन्होंने बार बार इसकी ओर इशारा किया, वो एक तरह से ये भरोसा दिलाता है कि ये तालमेल जो है रिश्तों को एक दिशा निर्देशन इस तरह से देगा कि दोनों तरफ से जो है उसको फायदा होने की उम्मीद है। जहां तक प्रधानमंत्री ने कहा कि किस तरह से उनकी यात्रा को पूरा विश्व एक बड़े ध्यान से देखने और समझने की कोशिश कर रहा है, उसके पीछे जो सोच है वो साफ है, क्योंकि जो एक तरह से बढ़ता हुआ विश्व नजर आता है यूक्रेन संकट को लेकर, यहाँ चीन जो बड़ी दूसरी महाशक्ति है वो रूस के साथ जुड़ी हुई नजर आती है, जबकि भारत अकेली बड़ी शक्ति है जो पश्चिमी देशों के साथ भी जुड़ा हुआ है और उसके साथ साथ चीन और रूस के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो क्या भारत के रुझान में कोई बदलाव आने की संभव हो सकता है इस तरह का? इसके लिए मुझे लगता है कि चाहे वो चीन का मीडिया हो या वहाँ के नेता हो, या वो अमेरिका या यूरोप के नेता हो या मीडिया हो, उनका पूरा ध्यान ये है कि क्या कोई भारत की जो तटस्थता की नीति अभी तक रही है यूक्रेन युद्ध को लेकर, उसमें कोई रुझान में बदलाव आने की संभव है या नहीं है, क्योंकि उससे बहुत प्रभाव पड़ता है। भारत आज एक उभरती हुई महाशक्ति है और वो किसके साथ खड़ा है वो उस खेमे को जरूर है कि बहुत ताकतवर बनाता है। इसलिए भारत ने जो अभी तक कोशिश की है कि एक तरह से जिसको मैं प्रोएक्टिव न्यूट्रलिटी कहता हूँ, वो उस तरह की नीति बनाए रखे,
प्रधानमंत्री ने उसकी तरफ इशारा किया कि दोनों की सोच जरूरी नहीं कि एक जैसी हो, पर अपनी अपनी सोच साझा करने में उनको कोई भी परेशानी नहीं है। ये उनकी गर्मजोशी और मित्रता का एक तरह से उदाहरण है, और मुझे लगता है कि यात्रा का जो एक स्वरूप सामने आता है वो ये कि जो पिछले कुछ वर्षों में अंतराल आया इन शिखर वार्ताओं में, उससे दोस्ती में या आपसी साझेदारी में कोई फर्क नहीं है। साझेदारी की जरूरत और भी ज्यादा, उसकी अहमियत और भी ज्यादा अच्छे से शायद दोनों तरफ से जो है वो दिखाई जा रही है, और कोशिश ये है कि किस तरह से अपने रिश्तों को एक तो जी ऊर्जा और रक्षा से दूसरे दूसरे किस किस क्षेत्रों में ले जाया जाए, और किस तरह से जो आपसी व्यापार है उसमें संतुलन लाने की कोशिश हो। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी शुरुआत है एक तरह से, और प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व में जो ठहराव था, जो एक तरह से रिलैक्स तरीके से उन्होंने अपनी बात वहां समझाने की कोशिश की जा रखी, उससे साफ जाहिर आता है कि दोनों नेताओं का आपस का तालमेल बहुत अच्छा है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह कहा कि बहुत ही साफ कोई से प्रधानमंत्री ने खुले मन से अपनी सोच को और अपनी बात को रखा यहाँ पर, और सबसे अहम मुद्दा तमाम सुरक्षा व्यापार की बात हो रही थी, लेकिन खासतौर पर जो मौजूदा स्थिति है वैश्विक स्थिति, उसमें भारत रूस के साथ खड़ा है और भारत की इस संघर्ष यूक्रेन संघर्ष को लेकर क्या कुछ राय रखता है, उस पर भी सभी की निगाहें थी। एम्बेसडर भट्टाचार्य, जिस तरह से भारत ने एक बार फिर ये बात कही कि युद्ध किसी भी बात का समाधान नहीं है, प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, जब जान माल का नुकसान होता है, मानवता की क्षति होती है, खासतौर पर मासूम बच्चों की, तो वो हृदय विदारक होती है। ऐसे में आपको एक संदेश साफ तौर पर यहाँ पर भारत ने रूस को एक बार फिर दिया है कि संघर्ष और युद्ध से किसी भी तरह का समाधान नहीं निकलेगा, और भावी पीढ़ी के लिए शांति की अपील यहाँ पर प्रधानमंत्री ने की। कितना महत्वपूर्ण ये संदेश यहाँ पर रूस के लिए भी है और विश्व के लिए भी। आपको याद होगा कि जब बाली में G20 का समिट हो रहा था, उस समय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार ये जिक्र किया था पूरे सभा में कि ये युद्ध का युग नहीं है, इट इज नॉट एन एज फॉर वॉर। और इस समय उन्होंने ये भी कहा था कि भारत सर्वदा शांति का प्रतीक है, विश्वास रखता है कि शांति ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और इसको प्राप्त करने के लिए हमें वार्ता की जरूरत है, युद्ध का नहीं। और आज भी उन्होंने वही फिर से पुतिन को दोहराया। बीच में आपको याद होगा कि जब युद्ध शुरू शुरू हुआ था, उस समय हमारे तरफ से दोनों यूक्रेन के साथ और रूस के साथ काफी बातचीत हुई थी, प्रधानमंत्री जी ने बात किया था, विदेश मंत्री ने बात किया था, और उसमें भी यही लक्ष्य रखा गया था कि शांति के लिए आप अग्रसर हो और युद्ध से ये हल नहीं होगा। आप जानते हैं कि ये बहुत ही पेचीला मामला है, कॉम्प्लिकेटेड है कोई भी युद्ध, बट लेकिन इसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं, और इसमें कोई जो समाधान निकालना है वो दोनों पक्ष का पूरा पूरा सहयोग होने की जरूरत है। हाल में आपको याद होगा कि स्विट्जरलैंड में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें बहुत सारे देश आए थे, और हमारे तरफ से ऑफिशियल के तौर पे भी हम लोग ने उसका पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उस समय भी हम लोगों ने उस समझौते के साथ हम सहमति पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि उस सम्मेलन में भी रूस मौजूद नहीं था। इससे पूरा जाहिर होता है कि हमारा विश्वास ये है कि रूस और यूक्रेन के बीच खुली आम ये बातचीत होनी चाहिए, ताकि वो इस युद्ध का समाधान निकाले और आगे बढ़े, क्योंकि ऐसे जब संकट होता है, जब कोई ऐसा युद्ध होता है, ना सिर्फ उन दोनों देशों पे असर होता है, सारा विश्व पे असर होता है। प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया कि जैसे कि इस युद्ध के दौरान जो कॉन्सिक्वेंसेस निकले, उसमें हमारे देश का भी बहुत नुकसान हुआ, और इस समय जैसे ऊर्जा का, जैसे कि फर्टिलाइजर्स का, जैसे कि खाद्य का सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत गंभीर हो चुका था, और दूसरे देशों में इसका संकट का सामना करना पड़ा। इसलिए बहुत जरूरी है कि दोनों देश और जो बाकी देश है जो कि यूक्रेन के साथ है इस समय, उनको भी ये समझना चाहिए कि इसका समाधान कोई और तरीके से होना चाहिए, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा।
जी एम्बेसडर भट्टाचार्य, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे। जिस तरह से भारत बहुपक्षवाद का एक तरह से समर्थक रहा है, ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनकर उभरा है, जब ये कहा जाता है कि पूरी दुनिया की निगाहें इस दौरे पर है प्रधानमंत्री के, और प्रधानमंत्री समेत जो दोनों देशों के नेता हैं, जाहिर तौर पर उनको भी इस बात का एहसास होगा, क्या क्या मैसेज भारत दुनिया को दे रहा है इस जो दौरे से? इसमें कुछ सत्य तो सबके सामने है। पहला है कि भारत एक मेजर पावर है। दूसरा है कि भारत का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है आज मेजर इकोनॉमीज में से सबसे ज्यादा तेज गति से बढ़ रहा है। तीसरा है कि भारत का ये विश्वास है कि डेमोक्रेसी, जो कि हमारे देश का भी एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, वो सारे दुनिया में भी वैसा ही होना चाहिए। और इसके लिए हम जो देख रहे हैं कि मल्टीपोलारिटी का जो स्प्रेड हो रहा है, ग्लोबल साउथ जो उभर रहा है, इसको भी और उत्साह मिलना चाहिए। तो ये अगर आप सत्य और तथ्यों को देखें तो भारत इसका एक नेचुरल लीडर, नेचुरल वॉइस है। और इसमें प्रधानमंत्री जो आज कह रहे हैं, जो कि दुनिया के सारे नेता आज देख रहे हैं बड़े बड़े इंटरेस्ट से, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एक संदेश है कि जो पुराना जो तरीका था जिसमें हम लोग अलायंसेस बनाते थे और एक बड़ा देश होता था जिसका सब उसके पीछे पीछे चलते थे, वो जमाना आज गुजर चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युद्ध का जमाना भी गुजर चुका है, आज है एक ऐसा एक स्थिति जिसमें हमारे सिटीजंस का जो आकांक्षा है उनको हमें पूर्ण करना है। और इसमें सारे देश यही आकांक्षा से आगे बढ़ रहे हैं, खासकर ग्लोबल साउथ के। और इसमें जो ग्लोबल गवर्नेंस का जो जो पद्धति है उसमें भी बदलाव लाने की जरूरत है। ये सारे संकेत इस इम्पोर्टेंट विजिट से स्पष्ट निकल रहा है, जिसमें कि दो बहुत पुराने मित्र भारत और रूस एक संकेत भेज रहे हैं कि पुरानी जो आदतें हैं, पुरानी जो मित्रता है, वो अपने जगह से और सुदृढ़ हो सकते हैं। और जो नया जो ढांचा बन रहा है, जिसके लिए मैं कह रहा था कि ये फ्यूचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल प्रोफेसर स्वेंसिंग, यहाँ पर प्रधानमंत्री ने फूड फ्यूल और फर्टिलाइज़र की बात की कि किस तरह से जब मुश्किल में था पूरा विश्व, जो स्थितियां चल रही थी उसमें भारत और रूस की मैत्री ने, फ्रेंडशिप ने एक तरह के एक स्थायी मार्केट भी दिया पूरे विश्व को, और भारत लगातार जिस तरह का तेल आयात करता रहा उसके लिए शुक्रिया किया, और उसके लिए लगातार भारत को कई दबावों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर तटस्थ रहा भारत, उसका भी जिक्र यहाँ पर प्रधानमंत्री ने किया। किस तरह से लगता है लगातार व्यापार को लेकर बढ़ाने की बात है, एक फ्री ट्रेड रूट को लेकर बातचीत की उम्मीद की जा रही थी और उसको लेकर भी उम्मीद है बात होगी, द्विपक्षीय निवेश को $50 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य है और द्विपक्षीय व्यापार को भी, कितना रूस की इस दो दिन की दिवसीय यात्रा में उस एजेंडे को यहाँ पर मुकम्मल करते नजर आए हम? जैसा आपने देखा कि पिछले दो वर्षों में भारत और रूस का व्यापार तेजी से बढ़ा है, उसका मुख्य कारण तो हम जो क्रूड ऑयल की आयात कर रहे हैं वही है, और उसके चलते अभी आप देखें कि 65.7 अरब डॉलर के व्यापार में $62 अरब भारत का आयात है रूस से। तो सबसे बड़ी चुनौती यह है कि किस तरह से भारत का निर्यात भी रूस के लिए बढ़ना चाहिए। अभी तक फिलहाल आप देखें कि भारत जो एक्सपोर्ट करता है, जो निर्यात करता है रूस में, उसमें फार्मास्यूटिकल्स का बहुत योगदान है, ऑर्गेनिक केमिकल्स का, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स का, स्टील का, और उसके अलावा आप मुझे लगता है कि कोशिश होगी कि किस तरह से हमारी एग्रीकल्चरल की प्रोडक्ट्स हों, चाहे फूड प्रोसेसिंग की जो हमारी एडवांटेज है, उसके अलावा ऑटोमोबाइल्स और ऑटोमोबाइल पार्ट्स का, इंजीनियरिंग गुड्स का है, और नए नए किस तरह से आयाम तैयार किए जाएं कि भारत का निर्यात भी रूस की ओर बढ़े, ताकि ये संतुलन अच्छा हो व्यापार। और दूसरी बात, आपने सुना कि प्रधानमंत्री ने आतंकवाद की भी वहां चर्चा की। बिल्कुल, तो जो भारत की चिंताएं हैं, और भारत आज से नहीं और हर प्लेटफॉर्म पर 90 के दशक से
संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संधि होनी चाहिए कि आतंकवाद से पूरा विश्व किस तरह से लड़ा जाए, क्योंकि आज ये पूरे विश्व की चिंता है, पूरे विश्व का संकट है, केवल किसी एक देश का नहीं है। तो प्रधानमंत्री जब भी विदेश में होते हैं, किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर बात करते हैं, तो वो आतंकवाद की जरूर बात करते हैं। तो उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि वो लगातार भारत की चिंता रहा है, और विश्व ही जानता है कि भारत का जो एक्सपीरियंस है कि किस तरह से आतंकवाद से लड़ना है, वो भी बहुत अच्छे से योगदान दे सकता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक साझा सोच बनाने के लिए। ऊर्जा की बात रहे कहें तो जो रोजाटॉम की आज उन्होंने एग्जीबिशन को देखा, वहाँ रोजाटॉम विश्व का सबसे बड़ा स्रोत है, सबसे बड़ी कंपनी है जो करीब 38% न्यूक्लियर पावर जनरेशन करता है। भारत का जो न्यूक्लियर पावर में तालमेल है, साझेदारी है रूस से, वो उसकी उदाहरण कहीं और नहीं देखी जा सकती, बहुत ही अलग सी उदाहरण है वो। और उसमें अब फिर से बात हो रही है कि 6 और न्यूक्लियर रिएक्टर भारत को ले सकता है भारत रूस से। तो न्यूक्लियर पावर जनरेशन में रूस का योगदान रहा है, और उस योगदान को और आगे किस तरह से ले जाया जा सकता है, वो हमें क्लाइमेट क्राइसिस से लड़ने में भी सहायक होगा, क्योंकि ऊर्जा के स्रोत जो हैं वो केवल फॉसिल फ्यूल ना होकर दूसरे स्रोत होने चाहिए, रिन्यूएबल स्रोत होने चाहिए। उस पूरी सोच में, उस पूरी कोशिश में ये रूस का योगदान आगे बढ़ सकता है। उसके अलावा सामरिक सोच जो दोनों बड़े नेताओं की है कि विश्व के स्तर पर चाहे वो क्षेत्र की समस्याएं हो या विश्व की समस्याएं हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ग्लोबल गवर्नेंस में बदलाव लाने की ज़रूरत है उस पर सोच हो। तो जब उन्होंने कहा कि कल 4 या 5 घंटे तक उनकी दो मित्रों के तरीके से खुलकर बातचीत हुई, तो उससे जो सामरिक सोच साझा होती है, मुझे लगता है कि उसको कार्यान्वित करने में आने वाले महीनों में अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग अफसरशाही, अलग अलग लोग उसको है उसमें शामिल होंगे। पर ये दो राष्ट्र नेताओं की आपस में खुली जो संवाद है एक तरह से अलग अलग विषयों पर, वो मुझे लगता है कि एक अच्छा संदेश है कि दोनों के रिश्ते संतुलन की ओर बढ़ रहे हैं और बहुत गहरे हैं। बार बार कहा गया है कि अच्छे और बुरे दोनों समय में रूस ने भारत का साथ दिया और भारत ने भी रूस का साथ दिया। अब देखें, जब विघटन हुआ सोवियत संघ का, तो उस वक्त बहुत चिंताएं थी वहां के नेताओं को, तो भारत ने उस वक्त साथ दिया रूस का, और दूसरे जो घटक देश निकले सोवियत संघ से। तो ये जो रिश्ते हैं वो बहुत ही सुदृढ़ हैं, गहरे हैं, पर उनको किस तरह से लगातार तालमेल बनाने और उसमें संतुलन बनाए रखने की कोशिश लगातार होनी चाहिए, ये उसमें मुझे लगता है कि साफ नजर आता है कि वो तालमेल में संतुलन बनाने की एक जो कोशिश है कि किस तरह से भारत का निर्यात बढ़ना चाहिए रूस की ओर, और इसको लेकर जो पश्चिमी देशों में चिंताएं हैं उसकी ओर भी इशारा किया गया कि उनको इस तरह की चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोच अलग अलग है। आज भी भारत की सोच रूस की सोच नहीं है, ना रूस की सोच भारत की है, पर एक दूसरे को समझने की कोशिश वो लगातार करते रहे हैं और करते रहेंगे। तो इसलिए पश्चिमी देशों को भी एक तरह से उसमें इशारा था कि भारत की जो नीति है, चाहे वो रूस को लेकर हो या फिर यूक्रेन संकट को लेकर हो या दूसरे अलग अलग विषयों को, चुनौतियों को लेकर हो, उसमें कोई बिल्कुल एक तरह का जो डिप्लोमेटिक बैलेंस यहाँ पर है, भारत किस तरह से बहुत ही साफगोई से उसे रख रहा है, बना रहा है, उसकी एक झलक हमें यहाँ पर दिख रही है प्रधानमंत्री के इस महत्वपूर्ण रूस दौरे पर। लगातार हम जो चर्चा है हमारे खास मेहमानों से जारी रखेंगे। बिल्कुल, इस डिप्लोमेटिक बैलेंस की बात हम आगे इस चर्चा में जरूर करेंगे जया। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहिए, ये खास मेहमान भी हमारे साथ बने रहेंगे, और रूस और भारत के रिश्तों की जो मीमांसा कर रहे हैं, जो वार्ता कर रहे हैं, इसमें जो हुई है, इस पे हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा की। आज प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा का दूसरा दिन था, और जिस तरह से जो शिखर सम्मेलन रहा है दोनों देशों के बीच में, जो भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति के बीच में जो शिखर वार्ता हुई है, बेहद महत्वपूर्ण रही है, और उस पर हमारी
चर्चा जारी है। हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं इस पूरी चर्चा में। जया, इससे पहले आप चर्चा कर रही थी कि किस तरह से डिप्लोमेटिक बैलेंस भारत ने बनाकर रखा है। एम्बेसडर भट्टाचार्य, इस डिप्लोमेटिक बैलेंस के बारे में भी हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा प्रकाश डालें, क्योंकि जब हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री का रूस का दौरा होता है तो विश्व के तमाम देश, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज हो या फिर यूएस हो या फिर चीन भी क्यों ना हो, वो उसको अपने हिसाब से अपने अपने तरह से उसका आकलन करते हैं, लेकिन भारत की जो अपनी विदेश नीति है वो अपनी स्वतंत्र स्वायत्त है। बिल्कुल, क्योंकि शुरू से ही भारत एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। पुराने जमाने में नॉन अलाइंट कहा करते थे, आज के जमाने में उसको हम लोग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, क्योंकि हमारा सक्षमता भी काफी बढ़ चुका है। हमारा कभी भी ये नीति नहीं रहा है कि हम किसी कंट्री, किसी भी देश का हम लोग एलाय बन जाए, और इसीलिए हम बहुत बहुत आसानी से एक तरफ पश्चिमी देशों के साथ संबंध बना रखते हैं और उनके साथ और सक्षम बनाते हैं, और उसी समय हम लोग जो रूस के साथ पुराने जमाने में सोवियत यूनियन के साथ, आज रूस के साथ और भी सुदृढ़ सक्षम नाता जोड़ सकते हैं। हम एक तरफ इंडो पैसिफिक का एक बहुत अहम पार्टनर है, जिसमें कि हम लोग एक नया ढांचे का, विश्व का नया ढांचे का एक निर्माण बन रहा है, और उसी समय हम लोग RIC जो कि रशिया इंडिया चाइना या SCO या ब्रिक्स का भी हम लोग इम्पोर्टेंट पार्टनर्स है। इसमें आप देखेंगे कि आइडियोलॉजिकल या जो इकोनॉमिक इमर्जिंग इकोनॉमीज का जो रोल होता है, हम लोग सभी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इंडिया का ये एक विशेष रोल है। पुराने जमाने से बाकी देश इंडिया को सोचते हैं कि ये एक प्रिंसिपल वाला देश है, ये एक इनका जो नीति होता है वो प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है, ये ट्रांजैक्शनल बिल्कुल नहीं है, और इसीलिए इंडिया के लिए एक खास रिस्पेक्ट होता है बाकी देशों का भी। आज जब हम देख रहे हैं कि ग्लोबल साउथ का इमर्जेंस हो रहा है, और इसमें आपको याद होगा कि G20 का जब हम लोगों ने नेतृत्व किया था, उस समय हम लोगों ने ग्लोबल साउथ का 2 शिखर सम्मेलन किया था, और उनका जो राय था वो हम लोग G20 के सामने लाए, ताकि वो G20 भी बाकी देशों का, डेवलपिंग देशों का और सारे जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है उनका भी क्या ख्याल है, उनका क्या जरूरतें हैं, उनको कैसे पूरे ग्लोबल कम्युनिटी में इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसके बारे में वो भी सोच सके। तो ये जो नेतृत्व वाला रोल है इंडिया का, ये इंडिया और ज्यादा कर सकता है, क्योंकि आज इंडिया और बड़ा इकोनॉमी बन चुका है, इंडिया का रिस्पेक्ट दुनिया में और बढ़ चुका है। मेरे ख्याल में इसके अलावा हमें ये भी करना चाहिए कि हम लोग जो है मीडिएशन का भी रोल करना शुरू करें। बिल्कुल, यहाँ पर जिस रोल की और जिस आवाज़ बनने की उम्मीद यहाँ पर पूरा विश्व भारत से कर रहा है, कहीं ना कहीं वैश्विक मंच पर भारत की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती साख उसकी गवाही दे रहा है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, यहाँ पर प्रधानमंत्री ने तमाम अहम बातें रखी, और यहाँ पर अगर हम प्रेसिडेंट पुतिन की बात करें तो किस तरह से उन्होंने कजान के ब्रिक्स समिट के लिए अक्टूबर में प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है, और प्रधानमंत्री ने भी कहा, राष्ट्रपति ने कहा कि जो संघर्ष है रूस यूक्रेन संघर्ष पर भी अहम बातें हुई, और जो भारत का रवैया रहा है, भारत के जो प्रयास रहे हैं इस पूरे क्षेत्र में इस संघर्ष में अपनी बात रखने की और शांति की अपील की, उसको उसका वो सराहनी करता है। भारत और रशिया की जो रणनीतिक, जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है, उसके 77 साल हम यहाँ पर मना रहे हैं, और किस तरह से देखते हैं इतना महत्वपूर्ण भूमिका में यहाँ पर भारत है रूस के लिए, जो उसकी अहम इस वक्त जो उसकी आवश्यकताएं हैं, नीड्स हैं, उसके लिए भारत एक प्रमुख समाधान और सोल्यूशन के साथ वहाँ पर पहुँचा है इस वक्त। आपने जो ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन का जिक्र किया जो अक्टूबर के महीने में कजान शहर में होने वाला है रूस में, वो भी अपने आप में रूस के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए बहुत एक अहम शिखर सम्मेलन होने वाला है। रूस के लिए इसलिए क्योंकि पश्चिमी देशों ने पूरी कोशिश की है कि उसको
उस रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाए जाएं, विश्व से उसका नाता है उसको कमजोर किया जाए। तो रूस के लिए ये ब्रिक्स अलग अलग तरह की जो वार्ताएं हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं और शिखर सम्मेलन बहुत अहम है। विश्व के लिए इसलिए अहम है कि जैसे आपने अभी ग्लोबल साउथ का जिक्र किया, तो ग्लोबल साउथ लगातार इस ताक में है कि जो अभी तक ग्लोबल गवर्नेंस के तरीके रहे हैं उससे शायद सभी संकट जो हैं वो हमको उनका हल नहीं निकाल पा रहे। तो क्या दूसरे कोई विकल्प हो सकते हैं? जिस तरह से विश्व की जो सोच है, विश्व की जो निर्णय लेने की नीति है, उसको नए तरीके से देखा जा सके, तो ब्रिक्स एक तरह से एक एक प्लेटफॉर्म है, एक मंच है जो इस तरह की उम्मीद बंधाता है पूरे ग्लोबल साउथ के लिए। और भारत एक तरफ से देखें तो रूस, चीन और भारत तीनों ही एक तरह से कोशिश कर रहे हैं कि वो ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनकर उभरें। और जैसा पहले जिक्र किया गया कि पिछले साल जब G20 की अध्यक्षता भारत के पास थी, तो भारत ने अफ्रीकन यूनियन को जिस तरह से जोड़ा ग्लोबल G20 में, वो बहुत ही एडवांटेज उससे भारत की जो नेतृत्व है ग्लोबल साउथ का, उसके दावे को बहुत सुदृढ़ करता है। उसके अलावा ये भी कहा गया कि दो शिखर सम्मेलन ग्लोबल साउथ के भारत ने उनका अरेंज किया पिछले साल। तो अभी जो ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन होने वाला है उसमें क्या तालमेल बनेगा? ब्रिक्स अपने आप में बहुत उथल पुथल में जा रहा है इस वक्त, क्योंकि वो 5 से 10 सदस्य बन रहे हैं। अभी जो नए 6 को बुलाया गया था उसमें एक ने पीछे हट गया है, सऊदी अरेबिया अभी सोच रहा है, 4 दूसरे देश जुड़ चुके हैं। तो ब्रिक्स में भी बहुत परिवर्तन इस वक्त आ रहा है, जिसमें चीन की लगातार कोशिश रहती है कि जितने ज़्यादा देशों को जोड़ लिया जाए अच्छा है। रूस की तरफ से जिस तरह से व्यक्तित्व आए हैं, अभी जो टिप्पणियां आई हैं वहां से, वहां के विदेश मंत्री लावारोव, उन्होंने अक्सर ब्रिक्स को कहा है कि ये पश्चिमी देशों का जो दबदबा है उसको कम करने की कोशिश के लिए बनाया गया है। भारत हमेशा से कहता रहा है कि जो ब्रिक्स है उसको सुदृढ़ करने की कोशिश ज़्यादा होनी चाहिए, और सुदृढ़ होने के बाद उसको जो है वो बढ़ाना चाहिए, उसका विकास होना चाहिए धीरे धीरे। तो सोच में तालमेल किस तरह से बने उसको लेकर मुझे लगता है ये दो राष्ट्राध्यक्षों की बातचीत जो आपस में हुई है उससे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में क्या निर्णय लिए जाएंगे उसमें भी भारत का एक तरह से जो है योगदान बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। एक अवसर मिलता है भारत के प्रधानमंत्री को 1-to-1 सीधी बात करने की कि किस तरह से ब्रिक्स सम्मेलन में क्या निर्णय लेने चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है कि उसमें उन्होंने आतंक का जो मुद्दा है, जो चिंता है, उसको भी उन्होंने जोड़ने की कोशिश की। तो ये लगातार जो भारत और रूस के बदलते हुए जो बेहतर होते हुए रिश्ते हैं उसका ये बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सोचने के तरीके हैं, निर्णय लेने के तरीके हैं, चुनौतियों से लड़ने के तरीके हैं, उस पर भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छा भारत का एक तरह से छाप नज़र आने की उम्मीद है। और भारत बहुत तरह से अलग अलग तरह से एक अलग तरह की उभरती हुई शक्ति है। सबसे पहले तो पुरातत्व की सबसे कंटिन्यूइंग एंशिएंट सिविलाइजेशन है, जनसंख्या के नज़रिए से सबसे बड़ा देश है, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज उनका वृद्धि दर है। भारत के प्रधानमंत्री का जो एक तरह से जो साख है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छी है। तो भारत से ये अपेक्षा करना कि भारत किसी भी बड़ी ताकत का पिछलग्गू बनेगा, ये उम्मीद करना ही गलत है अपने आप में। तो भारत की जो अपनी रणनीति है, सोच है, नीति विचार है, उससे ज़रूरी है कि कुछ देश नाराज होंगे क्योंकि वो हम पिछलग्गू नहीं हैं, पर वो धीरे धीरे इस बात को मान जाते हैं कि भारत अपनी जो सामरिक स्वतंत्रता की जो नीति है, जो हमारी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी बेस्ड फॉरेन पॉलिसी है, उसको लेकर ही आगे बढ़ेगा। और भारत के जुड़ने से रूस को भी फायदा है, चीन को भी फायदा है, अमेरिका को भी फायदा है। और प्रधानमंत्री ने आज एक बार फिर ये बात साफ कह दी कि तीसरे कार्यकाल में 3 गुनी रफ्तार के साथ हम काम कर रहे हैं और जो प्रगति हमने पिछले 10 वर्षों में देखी है वो और भी बढ़ने वाली है। लगातार हम चर्चा अपनी जारी रखेंगे इस स्पेशल कवरेज में, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के साथ अब जुड़ते नहीं थे
taste on. A sweet taste. MDH ginger garlic taste. MDH. Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे एक महीना हो गया है, बट वो गुगली पे गुगली डाले जा रहे हैं। तो RBI के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही RBI का ओम्बुड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेन को एक महीने में नहीं सुलझाता तो आप RBI के कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। ये RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेन सुलझाने का, और वो भी फ्री। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा की, किस तरह से महत्वपूर्ण है ये रूस की यात्रा, और सबसे खास बात है कि दोनों देशों के बीच में ये जो शिखर वार्ता हुई है और प्रधानमंत्री का जो अभी वक्तव्य रहा है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं अपने खास मेहमानों के साथ से साथ, और बेहद महत्वपूर्ण रही है प्रधानमंत्री की ये रूस के राष्ट्रपति के साथ वार्ता, और किस तरह से ये आगे दोनों देशों की मित्रता को और गहरा करेगी, आगे के बीच में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको कैसे और आगे लेकर जाएगी, इन सारे विषयों पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे एक बार फिर से आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ एम्बेसडर संजय भट्टाचार्य जो कि फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट है जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जो कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर भट्टाचार्य, जब हम बात करते हैं इस बात की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो दौरा है ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है और सभी इसको अपने अपने लिहाज से देख रहे हैं, जब हम ग्लोबल टाइम्स की बात करते हैं, चीन की बात करते हैं, जो मैं उस लेख की बात कर रहा हूं, दरअसल चीन का ये कहना या ये मानना कि भारत रूस के जो संबंध हैं वो प्रगाढ़ हों तो उससे उनको कोई दिक्कत नहीं है, और वो कहीं ना कहीं उस जो चीन भारत और रूस के एक जो मैत्री की बात जिसकी बात वो करते हैं, आपको लगता है कि ये वेस्ट भी उसको उसी तरह से देखता है या अमेरिका भी उसको उसी तरह से देखता है, क्या किस तरह से ये पूरा जो एक जिसको कहते हैं कि रणनीति है तमाम देशों की अपनी अपनी, कैसे देखते हैं आप इसको? पहला बात तो ये कहना चाहूंगा कि भारत सभी देशों के साथ मैत्री का रिश्ता चाहता है जी। चीन के साथ भी मैत्री का ही रिश्ता चाहता है जी, और शुरू से ही ये रह चुका है। हाल में जो चीन का बर्ताव था वो हमारे जो पुराने अग्रीमेंट्स थे उनको नकार कर जो उन्होंने हमला किया उसके लिए चीन जिम्मेदार है। हमारा जो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री का रूस में जो दौरा है इसमें अपना जो बायलैटरल रिलेशंस है इसका भी एक बहुत इम्पोर्टेंट महत्व है जी। हम चाहते हैं कि हमारा जो रिलेशंस रूस के साथ और बढ़े, इसमें बायलैटरल कंपोनेंट होगा, इसमें एक मल्टीलैटरल कंपोनेंट होगा, इसमें एक जियोपॉलिटिक्स का रोल होगा, और बाकी देशों को भी यह समझना होगा कि भारत का जो नीति है वो सब देशों के भलाई के लिए है। भारत का एक सेल्फिश नाता सिर्फ नहीं है, हालांकि पॉलिटिक्स में हम लोग अक्सर देखते हैं कि एक सेल्फिश मोटिव होता है देशों का, जिसके वजह से जब उसकी प्रगति होती है और देश कुछ पीछे पड़ जाते हैं, कुछ डेट में हो जाते हैं, लेकिन भारत का नीति ऐसा कभी भी नहीं रहा है। तो मेरे ख्याल में बाकी देश ये समझते हैं कि भारत का जो ऐतिहासिक ट्रेंड है ये बदलने वाला नहीं है, और इसलिए भारत का अगर किसी भी देश के साथ नाता अगर इम्प्रूव करे ये स्वाभाविक है और साधारण है, और उसको उन्हें स्वीकृति देने की आवश्यकता है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि आज की दुनिया में खासकर चीन और अमेरिका के बीच बहुत तनाव बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत इसका एक एजेंट नहीं है, भारत इसमें एक अंशधार भी नहीं है। भारत का एक ऑटोनोमस रोल जो है, जो कि अपने देश का प्रगति बढ़ाना और सारे दुनिया का, विश्व का प्रगति करना, ताकि दुनिया के जो सिटीजन्स हैं उनको और अच्छे अवसर मिले, उनकी आकांक्षाएं पूरी हो, इसके लिए कर रहा है। तो मेरे ख्याल इसमें जो नतीजा जो निकलेगा, और मेरे अनुमान में बहुत अच्छे नतीजे और बहुत अच्छे आउटकम्स आएंगे इस विजिट का, वो किसी भी देश को मुश्किल नहीं करेगा जी।
प्रोफेसर स्वेन सिंह, जिसका जिक्र निखिल ने भी किया और एम्बेसडर भट्टाचार्य भी कर रहे थे, जिस चीन फैक्टर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है और इसी वजह से सभी की निगाहें हैं, कल जो हमारे खास मेहमान जुड़े थे उन्होंने भी इसका जिक्र किया था, किस तरह से देखते हैं? अब शिखर वार्ता हो गई है, दोनों नेताओं के जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी हमने सुन लिए हैं, उस लिहाज से जो एसटीओ समिट में जो पुतिन का वक्तव्य रहता उसके बाद अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें तो किस तरह से इस फैक्टर को आप एनालाइज करते नजर आएंगे, या जो अभी इस वक्त जो इक्वेशंस हैं? ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा पूछा, क्योंकि ये परोक्ष रूप से बहुत ही अहम सवाल है कि इस बात को प्रधानमंत्री के जहन में कितनी अच्छे से समझाया गया है या कितने अच्छे से वो समझते हैं और इसको वो क्या एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप देखें 50 के दशक से सोवियत संघ और रूस भारत के घनिष्ठ मित्र थे और रहे, आज भी हैं जी, पर पिछले कुछ वर्षों में खासकर ये यूक्रेन संकट के चलते जो रूस का रुझान या दोस्ती है वो चीन से बहुत ज़्यादा सुदृढ़ हुई, घनिष्ठ हो गई और उसको हम नो लिमिट्स फ्रेंडशिप की एक व्याख्या देते हैं। उन्होंने खुद ही एक जॉइंट स्टेटमेंट में ये कहा कि उनकी जो पार्टनरशिप है वो नो लिमिट्स की पार्टनरशिप है। सो भारत की विदेश मंत्रालय में इसको ज़रूर है कि अच्छे से समझा गया होगा, देखा गया होगा कि क्या रूस का रुझान चीन की ओर इतना बढ़ रहा है कि भारत को उसका कुछ भविष्य में नुकसान भी हो सकता है क्या। तो उसको संतुलन में वापस लाने के लिए मुझे लगता है कि ये यात्रा अपने आप में बहुत बड़ा योगदान करने वाली है और इसीलिए ये ग्लोबल टाइम्स को एक वक्तव्य देना पड़ा कि चीन को उससे कोई चिंता नहीं है, जब कोई उनको परेशानी नहीं है कि भारत के रिश्ते रूस से सुदृढ़ हो रहे हैं। हालांकि वहां भी वो बहुत ध्यान से देखेंगे कि क्या ये संतुलन भारत की ओर रुझान तो नहीं हो रहा है। ये अक्सर ऐसे चिंता रहती है देशों को कि यदि अमेरिका के रिश्ते भारत से बहुत सुदृढ़ होते हैं तो बीजिंग को परेशानी होती है, यदि बीजिंग के रिश्ते अमेरिका से बहुत अच्छे होते हैं तो भारत जागरूक हो जाता है, उत्सुक हो जाता है उसको लेकर। तो ठीक उसी तरह से पिछले 2 या 3 वर्षों में ऐसा नजर आया कि जो नो लिमिट्स पार्टनरशिप है रूस की चीन के साथ, उसका भारत पर क्या असर पड़ सकता है। तो ये सोच मुझे लगता है कि परोक्ष रूप से जरूर भारत का जो प्रतिनिधि मंडल है, प्रधानमंत्री वहां है, उनके जहन में ये बात जरूर होगी कि किस तरह से वो वापस संतुलन बनाने की जरूरत है और संतुलन होना चाहिए, क्योंकि शुरू से ही रूस और उससे पहले सोवियत संघ की जो रिश्ते दोस्ती भारत से थी वो चीन से उस तरह की दोस्ती नहीं थी। बाद में चीन से भी रिश्ते सुधरे, पर पिछले 2 वर्षों में जो बदलाव आया है, जो एक तरह से रुझान रूस का उस तरफ हुआ है चीन की तरफ, उसमें संतुलन बना रहना चाहिए। रूस सभी का दोस्त हो उससे कोई चिंता नहीं है, चीन का भी दोस्त हो सकता है, भारत का भी दोस्त हो सकता है, पर क्या उसके कुछ नकारात्मक नतीजे निकल सकते हैं भारत को, वो परोक्ष रूप से मुझे लगता है कि बहुत एक खास अहम मुद्दा या सोच रही होगी भारतीय प्रतिनिधि मंडल के लिए। और वो मुझे लगता है कि उसको परोक्ष रूप से ही, जब अपना तालमेल 2 देशों में अच्छा होता है, दो नेताओं की दोस्ती अच्छे से बनती है, तो जाहिर है कि वो परोक्ष रूप से अपने आप वो संतुलन वापस ठीक जगह पे आ जाता है। जी प्रोफेसर सिंह, अगर इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएं और आपसे समझना चाहें कि जिस तरह से ये प्रधानमंत्री का दौरा हुआ है और आप देख रहे हैं कि जाहिर तौर पर रूस के ऊपर अंकुश लगाने पर, पाबंदियां लगाने के लिए वेस्ट और यूएस पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, ऐसे में उनको कहीं ना कहीं ये लग सकता है कि ये जो भारत का के प्रधानमंत्री का दौरा है वो उनकी जो आकांक्षाएँ हैं उसके राह में रोड़ा है कहीं ना कहीं, किस तरह से ये बैलेंस भारत को बनाना होगा और वो बनाकर चल रहा है कि वेस्ट और यूएस भी उसके साथ जो उसके संबंध है वो उसी तरह से बने रहे। ये ठीक कहा आपने, पर मुझे लगता है कि वो पश्चिमी देशों से जो भारत का संतुलन है वो यूक्रेन संकट को लेकर बन चुका है। शुरू शुरू में बहुत से दबाव पश्चिमी देशों से भारत की ओर आए कि भारत को उनकी जबान में, उनकी तरीके से, उनकी भाषा में बात करनी होगी, पर भारत ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है, भारत अपने तरीके से अपनी नीति, अपने राष्ट्र हितों को आगे लेकर बढ़ाएगा। और मुझे लगता है उस मुद्दे पर जो पश्चिमी देश हैं वो एक तरह से, आप चाहे रिकनसाइल कहें या रिजाइन कहें कि कर चुके हैं, वो समझते हैं कि भारत अपनी सोच को लेकर अपने तरीके से आगे बढ़ेगा और उनको उसी तरह के भारत से अपना तालमेल बनाना होगा।
ज्यादा दिलचस्प बात यह है, आप देखें कि 1 जुलाई को हर साल वर्ल्ड बैंक ये ग्लोबल इकोनॉमीज की एक असेसमेंट करता है, उनको 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन करता है, लो इनकम कंट्रीज, मिडिल इनकम कंट्रीज, अपर मिडिल इनकम कंट्रीज और हाई इनकम कंट्रीज। इस 1 जुलाई को वर्ल्ड बैंक ने खुद रूस को अपर मिडिल इनकम कंट्री से बढ़ाकर हाई इनकम कंट्री का दर्जा दिया है। तो इतने प्रतिबंध लगाने के बावजूद उनको लगता है कि रूस के निर्यात में, रूस के अंदरूनी व्यापार में, अंदरूनी जो उनका अपना जो उत्पादन है और उसका जो कंजम्पशन है उसको लेकर रूस की जो आर्थिक व्यवस्था है उस पर वो बहुत बड़ी चोट लगाने में सक्षम नहीं है। और वर्ल्ड बैंक ने खुद कहा कि अब जो रूस 2014 से पहले भी हाई इनकम कंट्री माना जाता था, पर उस वक्त भी आप देखें कि जब क्राइमिया को रिक्लेम किया रूस ने, तो शायद उसकी भी एक वजह थी कि उनको फिर वो अपर मिडिल इनकम में उनको डिफाइन किया गया। पर वर्ल्ड बैंक ने अभी 1 जुलाई को कहा कि रूस अब वापस हाई इनकम इकोनॉमी का दर्जा उनको मिल रहा है। तो न केवल भारत की जो तटस्थता की नीति है उस पर वो संतुलन बना चुके हैं भारत और पश्चिमी देश, पर आज पश्चिमी देश शायद फिर से सोच रहे हैं कि क्या प्रतिबंध जो उन्होंने लगाए रूस पर वो असरदार हैं भी, जब उनको और असरदार बनाने की जरूरत है आज। और एक बड़ी अहम बात ये भी आप कहें जी, भारत के प्रधानमंत्री की जो लगातार जो सोच है, जो भारत का दर्शन उसमें सामने आता है, वो रूस को लेकर हमेशा से बदलती हुई नजर आई है। सबसे पहले 2021 सितंबर में भारत के प्रधानमंत्री ने सीधे राष्ट्रपति पुतिन से बात करते हुए कहा था कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है। बहुत से विश्व के नेताओं ने उस बात को दोहराया, कई इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जो फाइनल डिक्लेरेशन में वो शब्द आए। फिर आप देखें पिछले साल मई में G7 का जब सम्मेलन हुआ हिरोशिमा में, तो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में किसी भी एक देश को यूनिलैटरली अपने मनपसंद से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बदलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। उसका इशारा चीन की तरफ भी था, पर उसका इशारा यूक्रेन संकट की पर भी था। पर आज देखें आप जुलाई में इस साल भारत के प्रधानमंत्री ने क्या कहा रूस के राष्ट्रपति से, कहा बमबारी के बीच में जो शांति वार्ता है वो असरदार नहीं हो सकती है। तो लगातार जो भारत की भाषा में बदलाव है, मुझे लगता है पश्चिमी देशों को उस पर ध्यान देना चाहिए कि भारत केवल अपनी जुबान में बात करता है, अपनी भाषा में बात करता है, वो किसी भी दूसरे देश की भाषा में बात नहीं करता है। बिल्कुल, और यहाँ पर जिस तरह से भू राजनीति में जो नए समीकरण बन रहे हैं, जो नई इक्वेशंस बन रहे हैं, उसमें हर देश अपना राष्ट्रीय हित को देखकर ही दूसरे देशों के साथ अपनी बातचीत पे आगे बढ़ रहा है। और भारत भी शुरू से ही आतंकवाद या हिंसा की बात हो उस पर अपनी बात रखता आया है, उसका स्टैंड रहा है। हाँ, हम कह सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में वो जो अंदाज है वो ज़्यादा आक्रामक हुआ है। एम्बेसडर भट्टाचार्य, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, व्यापार सबसे अहम कड़ी है दो देशों के रिश्तों की, इन अहम कड़ियों में से एक है। व्यापार को लेकर और बढ़ावा यहाँ पर बढ़ाने की बात थी। आज प्रधानमंत्री ने एटम प्रदर्शनी केंद्र का भी दौरा किया। तमाम जो पारंपरिक क्षेत्र हैं, ऊर्जा, सुरक्षा, उसको लेकर हम बातचीत हो रही है। लेकिन एक न्यूक्लियर पावर, जिस तरह से टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान हो सकता है, उसके क्षेत्र में भी काफ़ी उम्मीदों के साथ यहाँ पर डेलीगेशन लेवल टॉक्स हुई हैं और उसका जायज़ा भी लिया प्रधानमंत्री ने। उस क्षेत्र में जो पारंपरिक क्षेत्र हैं या जो नए क्षेत्रों में किस तरह से हम भागीदारी को बढ़ा सकते हैं, उसको आप कितना किस तरह से देखते हैं, और कौन से ऐसे क्षेत्र आपको लगता है कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसमें दोनों देश अपनी भागीदारी को और बढ़ाते हुए मजबूती ला सकते हैं? देखिए, हमारे दोनों देश के बीच जो व्यापार का जो रिलेशंस है वो आज के दिन में टारगेट से आगे है, क्योंकि पहले उन्होंने टारगेट लगाया था और अभी $60 बिलियन से आगे वो लोग चले गए। लेकिन इसमें एक बहुत इम्बैलेंस भी हो चुका है जी। भारत ने एक विशेष सिस्टम निकाला था जिसके अंतर्गत वो रुपी अकाउंट्स मैनेज करते थे, वॉस्ट्रो अकाउंट्स है इंडिया में अभी बहुत सारे रशिया के साथ जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके वजह से, और उसमें काफी इम्बैलेंस हो चुका है। इसलिए ये जरूरी है कि हम लोग एक तो हमारा एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की कोशिश करें। प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि जो मेड इन इंडिया का जो प्रोग्रेस हुआ है उसमें रूस का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और इसमें आप देखिए कि हमारे जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं, ना सिर्फ जो एग्रो सेक्टर और एग्रो प्रोसेस्ड सेक्टर का जो खाद्य रिलेटेड प्रोसेसेस हैं, लेकिन इसके अलावा मैन्युफैक्चर्ड
फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये सब का भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, जिसका वो रूस इसका इंपोर्ट कर सकता है इंडिया से. और नए नए जो सेक्टर्स हैं जो कि हमारे यहाँ से ऑटोमोबाइल्स हो, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ये सब का भी एक्सपोर्ट की संभावना है. दूसरा तरफ से अगर आप देखें तो रूस को ये भी इनकरेज किया जा रहा है कि वो लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स काफी बढ़ा सकते हैं. और वो लोग ऑलरेडी सोच रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि उनका जो वॉस्ट्रो अकाउंट है उसको इस्तेमाल करने के लिए आरबीआई ने एक स्पेशल डिस्पेंसेशन दिया है, जिसके अंतर्गत वो लोग उस अकाउंट के पैसे को भी इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं. और रूस का बहुत सारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट है वो बहुत ही आगे है, और इंडिया का पुराना बहुत इसमें कोऑपरेशन रह चुका है. तो वो जो S&T का जो रोल आएगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये जो नए इन्वेस्टमेंट्स आएंगे उससे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट का भी, रोजगार का भी बहुत सारा अवसर होगा. एक और सेगमेंट है जिसमें इंडिया, भारत और रूस के बीच बहुत नजदीकी रिलेशंस है, और ये है डिफेंस सेक्टर में. डिफेंस सेक्टर में ना सिर्फ जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं डिफेंस प्लेटफॉर्म्स का, जैसे कि आप देख लीजिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स हो, या हम लोग ने जो T-72, T-90 टैंक्स, एग्जैक्टली पुराने जो टैंक्स हैं आर्मी के, हमारे नेवी के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन हो या जो हमारे डिस्ट्रॉयर्स हैं, वो फ्रिगेट्स हैं, नए युग के फ्रिगेट्स, हमारे जो एयरफोर्स के जो सुखोई एयरक्राफ्ट, मिग एयरक्राफ्ट, और इसका जो सर्विसिंग होता है, इसमें भी हमारा बहुत योगदान और कोऑपरेशन रह चुका है. रूस ने इंडिया में बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज भी एस्टैब्लिश किए हैं जिसमें ये सब बनाए जा सकते हैं. और तीसरा इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि जिसका जिक्र अभी भी हुआ था और प्रधानमंत्री जी उस एग्जीबिशन में भी गए थे, जो कि हमारे एटॉमिक एनर्जी का है. एटॉमिक एनर्जी में अभी आप देखें तो कुदानकुलम में 2,000 यूनिट वाले, मेगावाट वाले यूनिट चालू हैं, 2,000 यूनिट वहाँ पे ऑलरेडी इन ऑपरेशन है, 4,000 मेगावाट का उसका बनाने की स्थिति में है, बन रहा है, और कुछ दिनों में वो भी कमीशन हो जाएंगे. और बात सुन रहे हैं कि शायद 6 और ऐसे यूनिट के लिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं. तो ऐसे जो हमारे जो कोऑपरेशन है, ये सब भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि व्यापार आज की दुनिया में ना सिर्फ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, बट वो इन्वेस्टमेंट्स भी है, टेक्नोलॉजी भी है. और आखिरी मैं ये भी कहना चाहूँगा कि स्पेस कोलैबोरेशन में इंडिया और रूस बहुत ही नज़दीक है, और जबकि आज के दिन में हमारा स्पेस एसेट्स को बढ़ाने का बहुत ही ज़रूरत है. हमारे लॉन्च कैपेबिलिटीज बहुत अच्छे हैं, हमारे सैटेलाइट्स बहुत अच्छे हैं, हमारा जो ट्रैकिंग सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम है, वो भी हम अपना तरीके से बना रहे हैं, और ये सब में रूस हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनर रह चुका है. तो मैं सोचता हूँ कि बायलैटरल कॉन्टेक्स्ट में भी रूस के साथ ये इकोनॉमिक जो रिलेशंस है ये बहुत आगे बढ़ेंगे. कुछ इसमें एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है, चाहे वो SCO हो या जो ब्रिक्स हो, इसमें कुछ नए बातचीत चल रहे हैं जो कि फाइनेंसिंग मैकेनिज्म के बारे में है. और क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक नया डिबेट चल रहा है कि डॉलर का वैल्यू क्या चेंज हो रहा है, क्या रिजर्व करेंसी के हिसाब से डॉलर का रिप्लेसमेंट हो रहा है. मेरे अनुमान में, और ब्रिक्स में भी ये काफी बातचीत हुआ था, कि हमारा जो लोकल करेंसीज में है, अगर हम उसमें ट्रेडिंग करें, व्यापार करें, तो दोनों देशों के लिए वो फायदेमंद रहता है, क्योंकि वो एक्सचेंज रेट का जो लॉस होता है वो कम हो जाता है, यानी कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दोनों सस्ते हो जाते हैं और मोर एफिशिएंट हो जाते हैं. लेकिन ये सिर्फ लोकल करेंसी से नहीं होता है, एक फाइनेंसिंग अरेंजमेंट की भी जरूरत होती है, और इसमें ब्रिक्स के अंतर्गत हम लोगों ने एक फाइनेंसिंग मैकेनिज्म का टास्क फोर्स बनाया था, जिसमें बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है कि कैसे इसका सेटलमेंट हो सके. क्योंकि एक होता है कि आप
इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लोकल करेंसी में डिनोमिनेट करे, दूसरा है कि उसका जो सेटलमेंट होना है, जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि $7 बिलियन का एक गैप है इंडिया और रशिया के बीच, इसको सेटल कैसे किया जाए। बिल्कुल, तेल आयात से भारत को तो फायदा हुआ है, लेकिन जो बैलेंस पेमेंट का जो गैप है उसको सेटल करना। हाँ बिल्कुल, तीसरा इसमें होता है बहुत इंपॉर्टेंट कि रिजर्व करेंसी जो आप रखते हैं, जो रिजर्व्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रखते हैं, उसमें जो विस्तार होता है कि पहले जमाने में सिर्फ गोल्ड रखा करते थे, उसके बाद हम लोग दूसरे दूसरे फॉरेन करेंसीज को रखना शुरू करें, एक बास्केट है। तो इसमें भी अगर हम ब्रिक्स कंट्रीज को जो जो करेंसीज है उसको अगर हम लोग जब ले आते हैं तो हमारा करेंसी भी और स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि आज इंडिया एक ऐसे सिचुएशन में है जो कि इंडिया सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, इंडिया का सारे विश्व में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये भूमिका इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, कल्चरल है, और इसमें हमारा जो रूपी का जो इम्पोर्टेंस है इसको आगे बढ़ाने के लिए ये सारे मैकेनिज्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और रूस इसमें हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर रहेंगे। जी निश्चित तौर पर रूस हमारा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है, आपने विस्तार से इसकी व्याख्या की। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप लोग हमारे साथ बने रहें, दर्शक भी हमारे साथ बने रहेंगे, हम जल्द हाजिर होंगे। दादी के हाथों का जादू।